नेता जी बोल चुके हैं। नमस्कार प्रधान जी, कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया, आप सुनाओ। तो क्या आदेश मिला नेताओं की तरफ से, क्या बताया? नहीं, हमारी हमारी नेता ने तो यही बताया है, पार्टी ने जो फैसला लिया है वो फैसला सिरमत है, बहुत बढ़िया फैसला है। और मैडम क्या भी सोच बहुत बढ़िया है, पार्टी के लिए काम करो, बिल्कुल मदद करेंगे। अच्छा, जितनी शुरू किया आदेश आ गया? हाँ बिल्कुल, आदेश है, आदेश आ गया बिल्कुल पार्टी। और बताए कुछ? और तो राजनीतिक बात क्या है, बताओ जी, बताओ ना राय। तो अब क्या क्या आदेश मिला कुछ से, क्या नेता ने आदेश किया, इशारों इशारों में किया या भाषा में? जो मदद हमारी की है हम उसकी मदद उतनी हम करेंगे उससे डबल। हाँ, तो किस तरह की मदद उन्होंने की थी आपकी, आप किस तरह की मदद करेंगे? वो तो उन्होंने हमारी जी जान से मदद करी थी, उससे डबल जी जान से करेंगे हम। यही जो कसम मदद करेंगे, मैडम ने यही उदास दिया था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चौधरी का पिछले हो जाना उसका बदला खा डाल देंगे, इसमें करी उसने दूनी पार्टी के साथ कराएंगे, पार्टी के साथ ये बुजुर्ग है, तजुर्बा है, उनका है, जिसे उसने खरीदना है उसी हम तो उसने जिसको भी होती है उसी जजाई को भी मैं तबू जिले राजे मैं बता दू आता हूँ जिसे उसने करी उसी या करेगी, उसी या करेगी। तो ये आदेश लिया मारी टिकट कटी है दुख का ओड़ से कोई सोनी अन कौन समझा जाटा वोट से मारे किसान हालना को नहीं और को मोदी ने समझा और राखी लेवांगे उरे 2 लाख तक कम से कम मार्जिन कर सकता है क्योंकि राव वोट आ सकते हो मार्जिन फालतू होगा 3-4 लाख तक आएगा थोड़ा सा लक्ष्य आएगा 100% आएगा थोड़ा कम होगा ज्यादा मार्जिन नहीं कटेगा 80,000 से तो भिवानी विधानसभा की लीड है अच्छा हारेगा प्रावधान से बिल्कुल 1,00,000 तो भिवानी विधानसभा क्षेत्र से हारेगा तो शाम तो 70,000-80,000 तो जीते ही अजय सिंह हाँ तो बता दिए एकदम एक तरफ जीत रहे हैं राजीव बता के पहले ना तो मेरे सवाल ना ले ये यो भाई बोले ये भी चीज बोले बुरी तरह आ रहा है जिस उसने करी थी ना उसको डबल करेंगे डबल लूंगा गल हां बिल्कुल उसने 1 रुपयो गाल रखे सा उसका 3 गालांगा अच्छा हां 1 का 3 गाल देंगे 3 गाला भाई साहब करेंगे भाई देखिए जेपी कौशिक नाम है व्यापार मंडल का अध्यक्ष हूं जो इन्होंने हमारे साथ ऐसा विश्वासघात किया है तो भाई ईंट का जवाब पत्थर से देने का समय आ गया है और भाई मैडम मैं तो आज बीपीआई की घोषणा करवाऊंगा आजाद उम्मीदवार की घोषणा कर दो मैडम पूरा शहर के महेंद्रगढ़ भिवानी के सभी कार्यकर्ता मैडम के साथ हैं जी मैं नरेश कुमार पहाड़ी से अच्छा अब तो सुझाव ये है जी जो मोदी है ना जी हमें तो मोदी एंटी बनना है और हमें तो मोदी का विरोध करना है कोई भी कैंडिडेट है मैं तो मैडम से भी यही प्रार्थना करता हूँ कि उसका मजबूती से सहयोग करना चाहिए साथ देना चाहिए ताकि आगे आने वाले विधानसभा इलेक्शन में लेकिन जो कार्यकर्ता है ये तो कहे कि कोई कहे 80,000 हारेगा कोई कहे 1,00,000 हारेगा तो 2 लाख तारा है जो ये कांग्रेस के नेता है कार्यकर्ता कांग्रेस के ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी गलती है जी कांग्रेस को अगर मजबूत करना है तो हमें संगठन दिखाना है आगे समय और भी बहुत ज्यादा है आगे विधानसभा इलेक्शन हो रहे हैं और मैडम जी का हम तो सीएम का चेहरा देखते हैं और ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए हम ऐसे कार्यकर्ता ही नहीं जो संगठन को खराब करें हमें तो मजबूती से कांग्रेस का कोई भी लीडर आए उसका मजबूती से मुकाबला करना चाहिए आज नेता ने आदेश दिया इशारों इशारों में आदेश का बतवा तुम्हें इशारा किया तो इशारे के क्या महत्व बनते हैं पहाड़ी भाषा देखो मैडम ने तो ये इशारा जो दिया है ये एक रोष तो होता ही है हमारे भिवानी के लिए बंसीलाल परिवार के लिए एक गलत संदेश है आज मैडम किरण चौधरी श्रुति चौधरी की जो टिकट कट गई ये देखो दुख है हमें भी दुख है इस चीज का लेकिन आगे समय बहुत लंबा चौड़ा है और हमें संगठन को बनाए रखे आज का इशारा था वो बताए साहब आज के इशारे बताओ क्योंकि आज के इशारे ये लोग बोल रहे हैं आपको बताना रहे आज का जो इशारा था वो मैडम जी का खुद का व्यक्तिगत विचार था क्या विचार था वो भाई उनका ये विचार था कि भी जो हमारी मदद की थी उससे बढ़ चढ़ के उसके मदद करनी चाहिए लेकिन जो कांग्रेस का नुमाइंदा ना उसको जी रिकॉर्ड मतों से जिताएं और संसद में
भेजने का काम करें जी, हमारे तो यही वो है। लेकिन आप तो कह रहे होगे हम संसद में भेजने का काम करें, लेकिन जो और कार्यकर्ताओं को जो इशारा और लग गया है वो तो कोई और नारा पकड़े बैठ गए। सबके अपने अपने व्यक्तिगत विचार हैं जी, सबके अपने अपने व्यक्तिगत हैं, अपनी अपनी सोच है जी। रोक जाऊं कैसे, क्या आपको क्या लगता है? मैं तो आपकी बात पूछ रहा हूं, मन्ने के लग गया। हां तो आपकी बात पूछ रहा हूं, पूछ दे रहे और मैं किन्ने पूछ रहा हूं। हम आपसे बताना चाहते हैं कि मैडम ने जो ये कहा है कि कांग्रेस पार्टी का हमने झंडा उठा रखा है और उसको पूरे तय दिल तन मन धन से आगे बढ़ाएंगे, पूरा सबकी मदद करेंगे, और जो रावदान सिंह की हमारा कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी है उसको भारी बहुमत से जिताएंगे, कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। महेंद्रगढ़ से हूँ, नारनौल से। अच्छा क्या रहेगा सब, क्या मैडम तो कहते भाई, मैडम कहेगी तो वो तो मानेंगे, पर हम अपना हिसाब से करेंगे जो करना है, जो अपने हिसाब से काम, हम अपना हिसाब से करेंगे। टिकट कटी है बहुत गलत है। नमस्कार बल्लाल जी। नमस्कार जी, क्या इशारा मिला बातों में, क्या क्या बात हुई? मैडम ने दो आदेश करेंगे, अभी मीटिंग और होनी है, उसके बाद में देखेंगे क्या भाषण में क्या इशारा निकलेगा। भाषण में तो पार्टी के साथ है मैडम, पार्टी के लिए काम करेंगे, ये तो बोल रही है, कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस के साथ रहेंगे। चलो सरकार बना रही तो नेता आजा। शुरू कर आनंद काट के दे।